कोरोना महामारी के चलते विगत 2 वर्षों से डीजे संचालकों को रोजगार नहीं मिल पाने के कारण अपनी रोजी रोटी चलाने में असमर्थता के कारण बुधवार को धार जिले के मनावर और धर्मपुरी के 300 से ज्यादा डीजे संचालकों ने एसडीएम राहुल चौहान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया, जिसमें उन्होंने कई तरह की मांग रखी। नहीं नहीं आपका नाम बताइए। संजय। आप सब यहाँ किस विषय से एकत्रित थे? हम लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए थे। सभी डीजे के मालिक है। ये अपनी रोजी पिछले विगत 1.5 साल से आप देख रहे हैं, कोरोना के बाद से सभी अपनी रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं और प्रशासन की कार्रवाई, कभी गाड़ी जब्त कर लेना, कभी थानों से धमकी भरे फ़ोन आना, तो ऐसे में लोग कहाँ जाए, किसके पास जाए। मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ये ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में क्या मांग रखी है? ज्ञापन में हमने मांग रखी है कि हमें जुलूस, रैली और शादी ब्याह वगैरह में परमिशन दी जाए, या फिर अगर हमें परमिशन भी मिलती है तो हम सारे डीजे संचालक एकजुट होकर सारा माल थानों में जाके रखाएं।